अब एक काम करते हैं अब क्योंकि आज फ्राइडे है हजतः एक इशू है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ मैं दो तीन दिन से सोच रहा था इस चीज़ पर बात करूँ लेकिन अब मैंने सोचा कि चलिए बात कर लेता हूँ बात हो रही है वो जो इस हफ्ते एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था okay. वो एक यंग 26 सिक्स ईयर ओल्ड पुणे की सीए जिन्होंने अपनी लाइफ ली उससे रिलेटेड तो उससे मेरा दिल काफ़ी दुखी है और जो मैं एक सुबह नीचे आप जो ये चल भी रहा है कि डेडलाइन बड़ी बढ़ी या लाइफ लाइन ये देखिए वर्कलोड की वजह से अगर किसी की मौत हो तो बहुत दर्दनाक है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है और मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप हमेशा एक चीज़ सोचें कि आपकी काम की डेडलाइन बड़ी बढ़ी है या फिर आपकी आ, लाइफ लाइन है काम की डेडलाइन जो है वो आपकी लाइफ लाइन से बड़ी नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात तो जो फैमिली है उनके साथ हमारी पूरी सिंपति है हम सोच भी नहीं सकते कि इस समय उनके ऊपर क्या बीत रही होगी एक यंग लड़की को खोना ऑब्वियसली एक बहुत दुख की बात है और उसको कोई जिसकी भरपाई भी नहीं हो सकती कभी भी ठीक है काम ज़रूरी है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपनियों को भी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉयज़ का बना रहे ठीक है और वर्क प्रेशर को ये दोनों के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी वर्क प्रेशर को इतना हावी ना होने दें कि वो ज़िंदगी पर भारी पड़ जाए और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कल को अगर मैं छोड़ देता हूँ या कोई छोड़ देता है कंपनी को कोशिश की जाएगी कि रिटेन किया जाए नहीं रिटेन होते ना दो दिन नहीं लगेंगे कंपनी को नया आप ढूंढने के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए फैमिली आपकी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाएगी आपकी फैमिली के लिए रिप्लेसमेंट आपकी इम्पॉसिबल है ये आपको सोचना है कि कभी भी आप ऐसा कदम उठाएं उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन को सोचने की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को सोचने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉय को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है बॉसेस को जरूरत है कई बार हो सकता है कि, कि किसी एम्प्लॉई के अंडर परफॉर्मेंस के या सपोजल अंडर परफॉर्मेंस के कुछ रीजंस हो सकते हैं एचआर पॉलिसी अपनी जगह है लेकिन अगर आप एक टीम लीड हैं तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है ये मुझे लग रहा है कि इस देश में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर आ, बहुत आ, जो ये घटना हुई उससे दिल बहुत दुखी काफी आलोचना अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हो रही है अनुज यही है कि कंपनियां किस तरह का एक्शन लेती हैं टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर को खत्म करने के लिए और एम्प्लॉय राइट्स के फेवर में भी कुछ अगर बात उभर कर रहा है क्योंकि अब तक ई एन वाई की तरफ से बयान नहीं आया था फिर इवेंचुअली उनके सी की तरफ से बयान आया Uh, लेकिन यो राइट की इट नीड्स टू बी स्टेम्ड इन द बर्ड किस पहले ये ना ये ये पानी सर से ऊपर ना निकले uh, उसके लिए एक्शन करना लेना बहुत बहुत ज़रूरी है तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ड कंड्रोल पूरे परिवार और उनके uh, दोस्तों के लिए uh,